Guys, what's up? Thank you so much for watching Ashi News Solutions. I am Anshika, and today we have come up with a new chapter, chapter 10, dentition of class 9th, ICSE class 9th. छोटा सा चैप्टर हम लोग जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे. इस चैप्टर में क्या है डेंटिशन. डेंटिशन क्या होता है, दांतों का डॉक्टर. हमारा नेम से ही पता चल रहा है वी हैव टू स्टडी अबाउट आर टीथ, टूथ्स. जब टीथ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में. टीथ क्या होता है, वो हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. दे आर फिक्स्ड इन दी सॉकेट्स और एल्वियोलाई ऑफ जॉ बोन्स. जो हमारी जॉ बोन्स होती हैं उनमें फिक्स्ड होते हैं, उनके सॉकेट्स और एल्वियोलाई में फिक्स्ड होते हैं. दे आर यूज्ड इन बिटिंग, चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ये यूज्ड होते हैं बाइटिंग, चूइंग और फूड को ग्राइंड करने के लिए. स्ट्रक्चर क्या 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 होता है टूथ का. हर एक टूथ कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट से, रूट, नेक और क्राउन. रूट में क्या होता है, जो बेसल पार्ट होता है जो कि एम्बेडेड इन दी एल्वियोलस, जो कि एल्वियोलस में एम्बेड होता है. नेक, जो मिडल पार्ट होता है जो कि गम में एनक्लोज्ड होता है. क्राउन, जो विजिबल पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बियॉन्ड दी गम, गम को बियॉन्ड दी गम प्रोटेक्ट करता है. इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टूथ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टूथ के फॉलोइंग पार्ट्स आर सीन. फॉलोइंग पार्ट्स सीन होते हैं इनेमल. फर्स्ट पार्ट है हमारा इनेमल, जो वाइट शाइनी आउटर कवरिंग होती है क्राउन की, उसे हम इनेबल कहते हैं या फिर और आइवरी भी कह सकते हैं. ये जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इनेबल वियर करता है अभी विद एज एंड डेंटाइन इज एक्सपोज एंड द टीथ स्टार्ट लुकिंग येलो. इनेबल वियर अवे करता है एज और डेंटाइन के साथ में, और एक्सपोज हो जाता है और टीथ जो है वो येलो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. डेंटाइन येलोइश बोन लाइक टिश्यू होता है जो कि लाए करता है इनसाइड द इनेमल. इट इज़ हार्डर देन बोन बट नॉट एज हार्ड एज इनेमल. ये बोन से ज़्यादा हार्ड होता है बट इनेमल जितना हार्ड नहीं होता है. डेंटाइन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द टूथ. डेंटाइन बहुत मेजर पार्ट बनाता है हमारे टूथ का. नेक्स्ट हमारा सीमेंट. सीमेंट क्या होता है, इट इज़ बोन लाइक सब्सटेंस. ये बोन लाइक सब्सटेंस होता है दैट कवर्स एंड फिक्सेस द रूट ऑफ टूथ विद इन द सॉकेट ऑफ बोन, बोन की सॉकेट के साथ में. नेक्स्ट है हमारा, ये हमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है जिससे हमको हेल्प मिल सकता है. हमारा इनेमल कहाँ होता है, ये जो पार्ट होता है हमारे टीथ के ऊपर, इसको हम इनेमल कहते हैं. ये जो हमारा टीथ के ऊपर वाला जो हार्ड वाइट सब्सटेंस हमें दिखता है, उसके अंदर ये जो पार्ट होता है, सीए से हम कहते हैं डेंटाइन. ये हमारी पल्प कैविटी होती है, ये हमारी गम्स होती हैं जो कि दांत को जकड़ के रखती हैं. सीमेंट कहाँ होता है, दांत का इनर पोर्शन होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सीमेंट होती है. जो रूट नीचे से आ रही होती है, जो मेन नर्व होती है हमारी टीथ्स में, वो रूट जो कहते हैं उस वो रूट होती है. और ये जॉ बोन होती है, जो हमारी जॉ बोन जिससे ये सब चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. अब ये तो हमारा इंसीजर था, ये हमारा प्रीमोलर है. इसी तरह के सारे ऑर्गन्स दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है हमारा पल्प कैविटी एंड पल्प कैविटी सेंट्रल स्पेस होता है हमारे टूथ में. जो हमारे टूथ में जो सेंट्रल स्पेस होता है वो पल्प कैविटी होती है. एंड इज फिल्ड विथ सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू, जो कि सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू से फिल्ड होता है. जो नैरो पार्ट होता है पल्प कैविटी का, उसे हमें रूट कैनल कहते हैं. जो पल्प है वो रिचली सप्लाई करता है विद ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स एंड लिम्फ वेसल्स. ये एंटर करते हैं हमारे पल्प में थ्रू रूट कैनाल, रूट कैनाल के थ्रू. हमारी टीथ में ये हमें बताए हुए हैं, ये इंसीजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, ये मोलर्स होते हैं, और इसके बाद हमारे प्रीमोलर्स आते हैं कुछ हमारी एज के बाद. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं टीथ के. ह्यूमंस में टीथ जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट. थीकोडोंट क्या होते हैं, वो फास्टन होते हैं सॉकेट्स में ऑफ जॉ बोन्स. डाइफोडोंट डेवलप ट्वाइस इन दी लाइफ टाइम, दो बार होते हैं हमारी लाइफ टाइम में. हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग तरह के टीथ जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं.
ह्यूमंस में दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं जो कि डेवलप करते हैं हमारी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग लाइफ टाइम डेवलप होते हैं। दे आर नोन एज टेम्प्ररी एंड डेसीडियस और मिल्क टीथ। यानी हम टेम्प्ररी डेसीडियस और मिल्क टीथ भी कह सकते हैं और परमानेंट टीथ। द टेम्प्ररी टीथ अपियर फर्स्ट। जो हमारे टेम्प्ररी टीथ होते हैं वो पहले आते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ और देन उसके बाद उन्हें वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ से। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इज एन एडल्ट। जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं एक एडल्ट में वो 32 होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। बट जो चाइल्ड होता है अप टू दी एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 ईयर की एज तक उसके सिर्फ 20 टीथ होते हैं जो कि टेम्प्रेरी और डेसीडियस और मिल्क टीथ होते हैं। द मिल्क टीथ स्टार्ट इरप्टिंग आउट ऑफ द गम्स। जो मिल्क टीथ हैं वो हमारे गम से बाहर आने लगते हैं जब एक बच्चा 6 to 8 months का होता है। जो एंटायर सेट है 20 मिल्क टीथ का वो कंप्लीट हो जाता है बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की एज तक। दे स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन। ये वन बाय वन फॉलिंग आउट मतलब बाहर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं 7 to 8 ईयर्स तक की एज में और रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ से बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 ईयर्स की एज तक परमानेंट टीथ से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ किन किन तरह के होते हैं? मेनली ह्यूमन टीथ के 4 टाइप होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यू कैन सी दी डायग्राम्स। जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर बाइटिंग, कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग एंड मास्टिकेशन। और हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग टीथ डिफाइंड होते हैं। सबसे पहला होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स हमारे फोर जो फ्रंट टीथ होते हैं, हमारे फोर फ्रंट टीथ, दे हैव सिंगल रूट एंड शॉर्ट, जिनके जिनमें एक सिंगल रूट और शॉर्ट होता है। फ्लैट सीजल शेप्ड एजेस होती हैं और अडेप्टिव होते हैं फॉर बाइटिंग, बाइट और कट करने के लिए फूड को। कैनाइंस, कैनाइंस हमारे 4 होते हैं नंबर में ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। दोनों तरफ इंसीजर्स के 4 प्रेजेंट होते हैं ये इन ईच अपर एंड लोअर जॉ, बोथ अपर और लोअर जॉ में। मींस इंसीजर्स के इस साइड 4 एंड उस साइड 4 मींस 8, एंड अपर जॉ में 8 एंड लोअर जॉ में 8, दैट इज 16 हमारे कैनाइंस होते हैं प्रेजेंट। कैनाइंस जो होते हैं वो लॉन्ग और कोनिकल होते हैं। ईच हैज़ पॉइंटेड फ्री एंड, ईच का एक पॉइंटेड फ्री एंड होता है एंड एक सिंगल रूट होती है। कैनाइन वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग फूड, फूड को फाड़ने के लिए और होल्ड करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड चीक टीथ। इन्हें हम चीक टीथ भी कहते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, पर मोलर्स जो होते हैं वो बॉर्डर होते हैं और अपियर करते हैं परमानेंट डेंटिशन में। दे हैव ब्रॉड हेम्ड अपर सरफेस। इनका ब्रॉड हेम्ड अपर सरफेस होता है। जो हम्प्स होते हैं उन्हें हम कस्प्स कहते हैं, हुज नंबर में वेरी फ्रॉम 1 to 3, जिनका नंबर वेरी कर सकता है 1 to 3। जो प्री मोलर्स होते हैं हैव टू कप्स, उनके 2 कस्प्स होते हैं और हमने कहते हैं बाइकस्पिड्स। वाइल जो मोलर्स होते हैं उनमें 3 to 5 कस्प्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड्स। जो प्री मोलर्स होते हैं उनमें 1 to 2 रूट्स होती हैं, वेयर एज मोलर्स में 2 to 3 रूट्स होती हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स अडेप्ट होते हैं फॉर मैशिंग, मैशिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए फूड की। नेक्स्ट हमारा प्री मोलर्स और मोलर्स का डिफरेंस। प्री मोलर्स और मोलर्स में डिफरेंस क्या क्या है? प्री मोलर्स जो है वो बाइकस्पिड्स होते हैं, मोलर्स ट्राइकस्पिड्स होते हैं जिनमें 4 or 5 कस्प्स हो सकते हैं। प्री मोलर्स में 1 or 2 रूट्स होती हैं, मोलर्स यूजुअली हैव 3 रूट्स। प्री मोलर्स कम ब्रॉड होते हैं देन मोलर्स। मोलर्स ब्रॉड होते हैं और बड़े होते हैं फॉर कटिंग सर्फेस, उनका कटिंग सर्फेस और ज़्यादा बड़ा होता है। प्री मोलर्स मोनोफिडेंट होते हैं और वो अपेयर करते हैं ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। फर्स्ट 2 पेयर ऑफ मोलर्स आर डाइफोडेंट एंड द लास्ट पेयर और विजडम टीथ जो हमारा होता है वो मोनोफिडेंट होता है। द नंबर ऑफ प्री मोलर्स इज 2 पेयर इन ईच जॉ। जो नंबर ऑफ प्री मोलर्स होते हैं वो 2 पेयर में होते हैं हर एक जॉ में। इन मैन दे आर टोटल नंबर इज 8, उनका टोटल नंबर 8 होता है। द नंबर ऑफ मोलर्स इज 3, मोलर्स का नंबर 3 होता है इन ईच जॉ ऑफ मैन, दैट इज टोटल 12 मोलर्स आर प्रेजेंट इन मैन। इसके बाद आता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है?
जो नंबर और अरेंजमेंट होता है टीथ का हमारी जॉ में, फॉर ईच अपर जॉ एंड लोअर जॉ, उसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। द नंबर ऑफ टीथ इन राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ ईच जॉ, नंबर ऑफ टीथ इन राइट हाफ एंड हाफ लेफ्ट हाफ ऑफ इन ईच जॉ इज द सेम, वो ईच जॉ में वो सेम होता है। द डेंटल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड इज शोन बिलो। डेंटल फार्मूला को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि नीचे दिखाया गया। डेंटल फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, नंबर ऑफ टीथ जो हमारे वन हाफ होते हैं अपर जॉ में, अपर जॉ के वन हाफ में जितने टीथ होते हैं, अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ, अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ का वन हाफ, मल्टीप्लाई बाई टू इज अ डेंटल फॉर्मूला, जहाँ पे इज इक्वल्स टू आई प्लस सी प्लस पी एम प्लस एम अपॉन आई प्लस सी प्लस पी एम प्लस एम इंटू टू, वेयर आई बिलोंग्स टू इंसीजर्स, नंबर ऑफ इंसीजर्स, सी बिलोंग्स टू नंबर ऑफ कैनाइंस, पी एम बिलोंग्स टू नंबर ऑफ प्रीमोलर्स एंड एम बिलोंग्स टू नंबर ऑफ मोलर्स। ह्यूमन चाइल्ड जो कि अप टू टू ईयर्स होता है उसमें टू इंसीजर्स होते हैं, वन कैनाइन होता है, जीरो प्रीमोलर्स होते हैं और दो मोलर्स होते हैं, अपॉन सेम अमाउंट अपर जॉ एंड लोअर जॉ में दोनों में सेम अमाउंट होते हैं इज इक्वल्स टू 20 मिल्क टीथ, मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू 20 मिल्क टीथ। ओके, ह्यूमन एडोलेसेंट, ह्यूमन एडोलेसेंट में क्या होता है, 17 टू 20 ईयर्स तक की एज में टू इंसीजर्स होते हैं, वन कैनाइन होता है, टू प्रीमोलर्स होते हैं, टू मोलर्स होते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल हमारे कितने टीथ होते हैं, 28 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ इंक्लूडिंग 8 प्रीमोलर्स। ह्यूमन एडल्ट में कितने टीथ होते हैं, टू इंसीजर्स, वन कैनाइन, टू प्रीमोलर्स, थ्री मोलर्स, ओके, इज इक्वल्स टू 32 परमानेंट टीथ, इज इक्वल्स टू 32 परमानेंट टीथ होते हैं प्लस 4 विजडम टीथ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये सारे हमने नंबर डाल दिए, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 4 5, 4 5 प्लस 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, 8 और 8 ये ऊपर नीचे के हम दोनों ऐड कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 2, 8 एंड 8 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32 परमानेंट टीथ्स। ये हमारा होता है डेंटल फॉर्म। अब इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम, इसके बाद हमारी समरी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, सो वीडियो पसंद आई हो डू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।